फिलौर में कोर्ट में पेशी भुगतने आए गांव सैदोवाल के किसान अमरीक सिंह ने 29 अप्रैल को फिलौर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई जहरीली चीज निगल ली थी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसके बाद लुधियाना रेफर कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने धारा 306 के तहत गांव के व्यक्ति बलदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पर आज गांव सैदोवाल संघर्ष कमेटी ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते SDM दफ्तर के खिलाफ धरना लगा पंजाब सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि अमरीक सिंह ने गांव के एक सूदखोर बलदेव सिंह से 3 लाख रुपए उधार लिए, जो वह वापस कर चुका था, पर बलदेव सिंह ने कर्ज के बदले उसकी कई कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे, जिसके चलते फिलौर कोर्ट में केस चल रहा था। वह उसके घर की रजिस्ट्री उसने कोर्ट में अपने नाम करवा ली थी, जिसके चलते अमरीक सिंह परेशान रहता था। इसके चलते उसने 9 अप्रैल को फिलौर कोर्ट के कम्प्लेक्स में कोई जहरीली चीज निगल ली थी। इस संबंध में SDM फिलौर ने लोगों से मांग पत्र लिया। फिलौर से राजकुमार नंगल की रिपोर्ट। एक बंदा मरिया होवे पर सरकार दे कन्नी जूना सरके नजायज गलत ढंग दे नाल रजिस्ट्री हुई होवे और रजिस्ट्री कैंसल ना कीती जावे, प्रशासन उत्ते सारा इलाका दबाव पा रहा होवे, पर SDM साहब DC ओ अपनी मजबूरी जाहर करन दे साडे कोलो अजे कुछ हो नहीं रहा। समझ नहीं आ रही की कारण है। SDM साहब ने सानू जो जवाब दिता कि अजे DC साहब ना शेयर देना तो मेरी फोन ते गल ही नहीं हो रही। जे DC साहब SDM साहब का फोन नहीं चक रहा है तो फिर आम पब्लिक का की बनेगा। उन्हें सानू कोई भरोसा दे दवाया, उन्हें कोई सानू जिम्मेवारी वाली गल ही नहीं की। 50 घंटे बीत चुके हैं, साडे मंग पत्र दित्या नू मंग पत्र ने सानू एक भी जवाब नहीं दे सके। SDM साहब कहिंदे साडी जिहड़ी DC ने गल ही नहीं, साड़ी इतने कोई तसली नहीं है। अच्छ असी उन्होंने कोल आके बह गए हाँ, उन्होंने भी कहा तुम AC वाले कमरे बह रहो, असी इतने बहने हाँ, जन बेड़ा हो चलो सोमवार से आके बैठे हाँ, रात भी इतने ही हाँ, मंगलवार भी बैठे हाँ, अज बुधवार हो गया। उनकी अपनी ग्रीवेंसेस थी जिसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सो इन्होंने इनकी प्रोटेस्ट जो भी थी कि इनके साथ गलत हुआ है, अब इसमें सिविल कोर्ट का डिसीजन इन्वॉल्व है, सो इसलिए जितनी रेमेडी हमारी तरफ से हो सकती है, बिकॉज ये इनका क्लेम ये है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ, जो रजिस्ट्री हुई है वो बेशक जायज़ हो बट वो फ्रॉडुलेंट तरीके से मैनेज करी गई है, सो इसलिए उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट ये करेंगे। एनीवे 306 का अबेटमेंट टू सुसाइड का पर्चा तो हो ही गया उनके खिलाफ, जो जिनका नाम सुसाइड नोट में दी, ठीक है जी। सो इनकी जो भी जायज़ डिमांड्स हैं उन पर हम एक्शन इमीडिएटली लेंगे। सो इनके ये प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट, एक तरीके से देखेंगे फार्मर सुसाइड का पहला ही है। अब वो अलग बात है कि ये इसका किसान का मतलब उसने लोन किसी और पर्पज से लिया हुआ था और उसके साथ डिफ्रॉड हो गया, बट जो भी है तो सरकार इसको सीरियसली ले रही है और इसकी जो भी कंपनसेशन है या इसका जो रेमिडियल एक्शन है वो SSP साहब DC साहब हम लोग मिलकर वो कल से स्टार्ट।